हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा दोस्तों आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स आप लोग का बिहार आईटीआई कैट का थर्ड राउंड का एडमिशन किस प्रकार होगा और कब तक किस डेट को आप लोग का एडमिशन होगा और दोस्तों आपका अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी किया जाएगा, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे, उसे पूरा एंड तक वॉच करें, तभी दोस्तों आप लोग को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर आईटीआई संबंधित न्यूज एवं अनेक जानकारी आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं आपका इसमें दिया गया है दिसंबर 2019-20 से मिलेगा योजना का लाभ। अगर फ्रेंड्स आप लोग आईटीआई करने वाले हैं या फिर आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इसे मैं दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका थर्ड राउंड का एडमिशन किस प्रकार होगा और कब तक एडमिशन होगा, ये सब हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर दिया गया है खाली सीटों के लिए 12 तक आवेदन, एडमिशन 23 को। ये दोस्तों पटना का न्यूज पेपर है जो कि इसमें दिया गया है। आईटीआई कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों की तृतीय काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था कि आप लोग का जो थर्ड राउंड का एडमिशन होगा वो आपका ऑफलाइन माध्यम से होगा। इसके बाद दिया है आपका BCECE ने नई तिथि जारी कर दी है। फर्स्ट और सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों पर ऑफलाइन काउंसलिंग 23 नवंबर को होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपका इसमें दिया गया है कि आप लोग का ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का एडमिशन होगा, जो कि 23 नवंबर को आप लोग का काउंसलिंग होगा। इसके बाद दिया गया है BCECE ने ऑनलाइन विलिंगनेस का लिंक दे दिया है। स्टूडेंट 5 से 12 नवंबर तक ऑनलाइन विलिंगनेस पर जाकर फॉर्म भरना होगा और तृतीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ITI CAT 2019 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी, चाहे वे पहले की ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो या न हो, सभी ऑफलाइन विलिंगनेस से शामिल हो सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो विलिंगनेस करने का डेट था वो आपका 5 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में आप लोगों को विलिंगनेस करना था। और फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग विलिंगनेस किस प्रकार करेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोग विलिंगनेस भी किया होगा। अगर दोस्तों आप लोग विलिंगनेस नहीं करेंगे तो आपका थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए और है कि दोस्तों अगर आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में छूट गया है तो आपका एडमिशन थर्ड राउंड में भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट परिषद की वेबसाइट www.bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपका कल डेट है 15 नवंबर, तो फ्रेंड्स आपका कल एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का 23 तारीख को आप लोगों का काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, इसके बाद आपका एडमिशन होगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इधर देख पा रहे हैं आपका दिया गया है सरकारी आईटीआई में छात्रों को मिलेगा मुफ्त में पोशाक। ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका दिया है कि श्रम संसाधन विभाग राज्य के सभी 149 सरकारी आईटीआई के छात्रों को अब किताब, पोशाक और बैग मुफ्त में देगा। पिछले दिनों में विधान परिषद में छात्रों के लिए विभाग की ओर से देने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह घोषणा की थी कि इसके बाद विभाग पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की स्वीकृति दे दी गई है। इसका लाभ 2019-20 से सभी छात्रों को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो आपको किताब, आपका ड्रेस और बैग और एक जूते आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। ये दोस्तों सरकार की तरफ को आप लोगों के लिए भी फ्री में दिया जाएगा। पहले दोस्तों आपका प्राइमरी स्कूलों में दिया जाता था, अब आपको आईटीआई में भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट सब कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले पहुँचता रहे, क्योंकि दोस्तों
आपको इस चैनल पर आईटीआई संबंधित न्यूज एवं अनेक जानकारी आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।